Hey guys, what's up? Welcome back to another video. So welcome back to Balanced Lifestyle and स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में. आज हम बात करने वाले हैं, आज बेसिकली एक रिव्यू वीडियो होने वाली है. तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मसल ब्लेज के हाई प्रोटीन ओट्स जो मैं करेंटली कंज्यूम कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. मैं आपको बताऊंगा मैं क्या किस तरीके से ये ओट्स खुद अपने खाता हूँ इस वक्त. एंड आप भी सेम तरीके से बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली इसको बना सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम रिव्यू करने वाले हैं, इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे एंड हम बात करेंगे इसके टेस्ट के बारे में. तो तीनों चीज़ें आपको मैं बताऊंगा. एंड स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आपको पसंद आए तो कंज्यूम करना, नहीं आए तो मत करना, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो दिस इज मसल ब्लेज हाई प्रोटीन ओट्स विच इज डार्क चॉकलेट फ्लेवर एंड इसके 100 ग्राम की सर्विंग में आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है ना. तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना सर्विंग लेते हो उसकी. मैं अभी बल्क पे हूँ करंटली, तो मैं 80-100 ग्राम्स कंज्यूम करता हूँ. एंड इसमें आपके इसके 100 ग्राम्स में आपको 377 कैलोरीज मिल जाती है. एंड प्लस इसका टेस्ट जो है मुझे काफ़ी पसंद आया. पर मैं बोलूँगा कि अगर आपको थोड़ा डार्क चॉकलेट का टेस्ट आता है इसके अंदर, हल्का हल्का आपको बिटर लग सकता है बीच बीच में, अगर आप चाहें तो आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं. मैं किस तरह से बनाता हूँ आपको मैं अभी शेयर करूँगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने विंग्स के ले लिया है, ठीक है. इसके ऊपर रखेंगे हम अपना बॉल एंड इसको हम कर देंगे ऑन, ठीक है. तो हम अभी कंज्यूम करेंगे अराउंड 80 ग्राम ऑफ ओट्स, क्योंकि मुझे अभी अंडे भी खाने हैं. ये इसकी खुशबू बहुत प्यारी है यार. इसमें डालेंगे ओट्स, बहुत बढ़िया है. 878 और हो गई 80, एक ग्राम ज़्यादा आ गया, तो 1 ग्राम ज़्यादा आ गया बट हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है. एंड एंड में हम कंपैरिजन भी बताऊंगा इसका मैं, कि अगर आपको अगर एल्पिनो के जो ओट्स थे वो इससे बेटर थे या फिर ये ओट्स बेटर हैं, ठीक है. तो हमने ये ले लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क. आप चाहे तो इसको वाटर में भी कुक कर सकते हैं, बट मैं मिल्क में कंज्यूम करता हूँ, मैं बल्क कर रहा हूँ करेंटली, तो मेरे पास कैलरीज काफ़ी हैं. तो इसमें हम ऐड करेंगे अराउंड 200-250 ml ऑफ मिल्क, 249 पे आ गया अटक, हो गया शाबाश, ठीक है. एंड इसको हम एक थोड़ा सा क्विक मिक्स दे देंगे थोड़ा सा, देन उसके बाद हम उसको माइक्रोवेव में रख देंगे. तो उसको हम रख देंगे माइक्रोवेव में करीब 2-2.5 मिनट के लिए, ठीक है. आप चाहो तो कम भी रख सकते हो, मैं 2-2.5 मिनट इसको कर लेता हूँ. तो जी हमारा ओट्स जो है रेडी हो गए हैं, चेक दिस आउट. तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे एंड इसके अंदर अपनी चीज़ें ऐड करेंगे जो कि होने वाली है पीनट बटर. मैं पिंटोला का यूज़ करता हूँ, किसी का भी यूज़ कर सकते हो, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. एंड यह है हनी, ये फॉरेस्ट हनी है, बेसिकली नेचुरल हनी है. आपको काफ़ी जो बाकी में ब्रांड्स मिलेंगे जो बड़े वो जिससे काफ़ी एडेड शुगर होती है, बट ये जो है ये नेचुरल हनी है. तो ये मैं यूज़ करने वाला हूँ करेंटली एंड इसका हम यूज़ करेंगे इसके अंदर अराउंड 25 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर मैं ऐड करूँगा एंड 1 स्पून जो होता है उसमें मैं हनी ऐड करूँगा, जिससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट बन जाता है इसका. एंड इसकी जो है प्रोटीन इंटेक भी बढ़ जाता है, मुझे हेल्दी फैट से मिल जाते हैं एंड मज़ा आ जाता है हमारा हनी, ठीक है. ओके और ये परफेक्ट हनी के स्पून से ही हम जो है अपना पीनट बटर ले लेंगे, क्योंकि मम्मा डांटेगी ज़्यादा के बर्तन कर देगी ये, तो दोनों मुझे पड़ेंगे बाद में फिर मजाक करो. तो वाह हनी ले लिया एंड अब उसमें हम ऐड करेंगे पीनट बटर. ओके ये 1 चम्मच आ गया, अब एक और ठीक है. अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे एंड खाते हैं. लेट्स मिक्स इट प्रॉपरली. सो इट्स रेडी. सो दिस इज एल्पिनोस पीनट बटर सुपर ओट्स. ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने ऑर्डर किया था, तो मैंने पोल डाला था, लोगों ने कहा था रिव्यू दे देना उसका. तो जी इसके जो है पर 100 ग्राम्स में 436 कैलोरीज है एंड 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है. लेट्स ट्राई दिस. ओह माय गॉड, ये दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा ग्रेनोला वाली चीज आ रही है देखने में. तो ये मैंने ओट्स ले लिया, इसमें अब दूध डालूंगा मैं, एक पीस खा के देखते से. तो ग्रेनोला वाली चीज आ रही है, इसका ठंडा दूध भी डाल सकते हो, गर्म भी डाल सकते हो, ठंडा डालने लगाओ.
मैं गर्म मुझे इतने पसंद नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये दूसरी तरह की ओट्स है ना, इसको ठंडे भी खा सकते हो, दूध डालते हो करते। Now I'm gonna add half scoop of whey protein. Mix this out. Here it is. Let's take a bite. Nice. थोड़ा क्रंची क्रंची से यहाँ ठंडे में क्रंची लग रहे हैं। आई होप जब आप गर्म करोगे तो इतने क्रंची नहीं लगेंगे आपको, बट अलग अच्छे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो। पर आप बात करें कंपैरिजन की तो इनमें से मुझे जो बेटर लगता है, दोनों ही अच्छे हैं ठीक है, बट दोनों का जो है टेक्सचर है तो काफ़ी अलग है ठीक है ना। जो एल्पिनो के ओट्स है उसका टेक्सचर थोड़ा मोटा था, ये थोड़े थोड़े थिन थिन से ओट्स हैं, बट टेस्ट दोनों का ही अच्छा है। वो एल्पिनो वाले खाली भी खाने में ज़्यादा टेस्ट लगते हैं, बस इसको हल्का सा आपको ना ऐड करना पड़ता चीज़ें, इतना स्वीटन नहीं है, वो हल्के से स्वीटन थे, बट दोनों टेस्ट अच्छे हैं, आप दोनों भी कंज्यूम कर सकते हो। एल्पिनो के मुझे काफ़ी रिव्यूज़ आए, लोगों को पसंद नहीं आए ओट्स, मैंने उनको सिंपली कमेंट किया था कि हर एक किसी का टेस्ट बड्स जो है वो अलग होते हैं, जो चीज़ मुझे पसंद आए ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको भी पसंद आए, तो आप चाहें तो ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, मुझे चीज़ पसंद आई है। दोनों का प्राइस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ये पैकेट भी अराउंड 1 kg का 550-600 के बीच में पड़ता है, उसका भी मेरे ख्याल से इतने का पड़ता था, मैंने लिया था लास्ट तब उतने का पड़ता था, पता नहीं कितना भाई रेट उसका, तो आप चाहें तो कंज्यूम कर सकते हो, नहीं चाहते तो मत करो प्लीज़। अगर वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कर दो, ऐसी और रिव्यूज़ वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना नीचे, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए प्रोडक्ट के बारे में जो कि होने वाला है डॉक्टर्स चॉइस का ओट्स। तो इसके लिए डॉक्टर चॉइस ने भी अपने प्रोटीन ओट्स निकाल दिए हैं, जो कि ये 375 ग्राम्स की सर्विंग वाला पैकेज है। मैंने छोटा ही पैकेट मंगवाया क्योंकि मुझे पहली चीज़ ट्राई करनी थी, अगर ये मुझे पसंद आएगा तो मैं इसकी बड़ी सर्विंग वाला पैकेट मंगवाऊंगा, एंड इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे क्या इसका प्राइस है, क्या इसमें कितने प्रोटीन हैं, क्या इसके मैक्रोज वगैरह हैं, एंड क्या ये वर्थ इट होने वाला नहीं होने वाला, इसको मैं बना के भी दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से जो है अपने ओट्स प्रिपेयर करता हूँ। ये वाला मैं पहली बार ट्राई करूंगा, बट मैंने बाकी प्रोटीन ओट्स खाए हैं चॉकलेट फ्लेवर वाले, और भी तरह के मैंने आपने वीडियोस देखी होंगी मेरी, तो प्रिपरेशन मेरी उसी तरीके से रहेगी इसकी, एंड इसको टेस्ट करेंगे, बताएंगे कि क्या ये उस ओट्स से बेटर है या नहीं। एंड अगर मैं आपको एक प्रॉपर कंपैरिजन वीडियो चाहिए बाकी मसल ब्लेस के ओट्स का, डॉक्टर चॉइस के ओट्स का, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के बाद, अगली वीडियो में आप वो भी चेक कर सकते हो। एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक न्यूट्रल रिव्यू होने वाला है वीडियो का, जो जो मुझे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा लगेगा, जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगेंगे अगर बता दूंगा आपको मैं, आप चाहें तो ट्राई करना चाहे नहीं करना, तो उसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल में। सो ये है डॉक्टर चॉइस के प्रोटीन ओट्स, इसके जो है 100 ग्राम्स की सर्विंग में आपको 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एडिड शुगर नहीं है। जो मैंने पहले ओट्स कंज्यूम किए हैं उसमें थोड़ी एडिड शुगर भी होती थी, तो एक चीज़ में तो ये जीत चुका है 100%। तो इसकी हम बात करें तो इसके पर 100 ग्राम्स में अराउंड 399 कैलोरीज हैं, एंड प्रोटीन 24 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट इसमें 45.92 अराउंड 46 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, इसमें शुगर 10 ग्राम है बट नॉट एडिड शुगर, फाइबर भी 9 ग्राम मिल जाएगा उसको आपको इसमें, एंड फैट मिलेगा 7.44 ग्राम्स। तो ये रिसेंट लग रहा है मुझे मैक्रोस के हिसाब से, एंड प्रोटीन इसमें आपको 24 ग्राम्स मिलने वाला है, तो ठीक है 100 ग्राम के हिसाब से 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको ठीक है। बाकी जो रेगुलर अगर आप ओट्स कंज्यूम करेंगे जो आपको उसमें अराउंड 10-11 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा पर 100 ग्राम्स ऑफ सर्विंग, तो उसके हिसाब से ये चीज़ ठीक है। एंड इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, इसकी MRP 384 रुपीज़ है, मुझे अराउंड 350 का पड़ा था 375 ग्राम्स की आपको सर्विंग, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है आपको ये चीज़, बट इसकी जो बड़ी पैकेजिंग है वो 560 और 600 के करीब है, तो ये रिफाइंड शुगर उन्होंने ऐड नहीं किया इसमें, उन्होंने जैगरी ऐड की हुई है ठीक है, तो देखते हैं कैसा टेस्ट करेगा, ये एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं मुझे इससे, एंड आपको एक्सपेंसिव शायद लगे बट इसका बड़ी पैकेजिंग जो ठीक रेट पर पड़ेगी आपको शायद, तो लेट्स ट्राई दिस, लेट्स मेक दिस, आपको बताता हूँ मैं बताता कैसे अपने ओट्स, आप भी सेम प्रोसेस से बना सकते हो एंड आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। चलो बनाते हैं, ऐसे दिखते हैं ओट्स, इसके हम ओट्स ऐड करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड अराउंड 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स। तो भाई इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स, देन हमने इसे पानी ऐड किया है, एंड देन इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं अपना 50 ml ऑफ मिल्क। बेसिकली मैंने रिकॉर्ड की थी वीडियो, थोड़ी हल्की हल्की ख़राब फुटेज आई है, मैंने सर पे कैमरा लगाया हुआ था बट पता नहीं थोड़ा सा ओप्पो का दिख रहा था, इसलिए मैं वापस से मैं रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगा, अब इसको माइक्रोवेव करूँगा 1-2 मिनट्स के करीब,
एंड इसके अंदर मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा स्किम्ड मिल्क पाउडर। ये बेसिकली स्किम्ड मिल्क पाउडर अमूल का, एंड इसकी 100 ग्राम्स की सर्विंग में आपको 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है एंड अराउंड 52 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स मिलता है। इसमें सिर्फ फैट नहीं है, इसमें 1 ग्राम फैट है, इसको ऐड कर सकते हो। आप कोई भी इस तरह की डिश बनाते हो या आप कॉफी कंज्यूम करते हो, आप उसके अंदर इसको ऐड कर सकते हो। मैं भी इसको ट्राई करने लगा हूँ एंड मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट। एंड ये है अराउंड 225 रुपीज का पैकेट है एंड 500 ग्राम्स की सर्विंग है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करूंगा, इसको मिक्स करके थोड़ा अच्छा टेक्सचर भी मिल जाएगा एंड मुझे एक्स्ट्रा ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी मिल जाएंगे। तो आपको मैं पहले माइक्रोवेव करते हैं इसको, फिर इसके अंदर ये ऐड करते हैं और आपको बताता हूँ। सो दैट्स हाउ इट लुक्स। आप देखो टेक्सचर वाइज काफी बढ़िया लग रही है, लुक्स गुड। इसके अंदर हम ऐड करते हैं मिल्क पाउडर। तो उसको पहले हम रखेंगे वेइंग स्केल के ऊपर। तो विद प्लेट मैंने इसको वेइंग स्केल पे रख दिया, इसको टियर कर देंगे हम जीरो पे लेंगे, ठीक है। एंड वी गोइंग टू ऐड अराउंड 20 ग्राम्स ऑफ मिल्क पाउडर, 15 ग्राम्स कर देते हैं ऐड, 20 करके देखते चलो। एंड ये हो गया 18, और 20 ग्राम्स ऑफ मिल्क पाउडर इसको मिक्स करते हैं बढ़िया सा। लुक एट दिस स्किम्ड मिल्क पाउडर डालने से इसका टेक्सचर कितना क्रीमी एंड सॉफ्ट हो गया हुआ है। देखो आप कितना थिक बन गए ओट्स, है ना। नाउ लेट्स ट्राई दिस एंड आपको बताता हूँ कैसे हैं ओट्स। द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, इट्स गुड, डिसेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है मैं बोलूँगा, बट ठीक है, टेस्ट में ठीक लग रहे हैं मुझे अभी। इसके अंदर और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है, ठीक है। तो मैं बेसिकली मैंने भी रिफाइंड शुगर मैंने कोशिश की है कि मैं क्विट करूँगा जितना हो सके, अवॉइड करूँगा। क्विट बिल्कुल कभी कभी नहीं हो पाती है, पहले करता था मैं, बट अब जितना चाहता हूँ मैं उतना अवॉइड करता हूँ शुगर को। एंड अगर आप चाहते हो तो उसके अंदर हनी ऐड कर सकते हो, नेचुरल हनी, क्योंकि कोई जो आपको नॉर्मल मार्केट में दुकानों में मिलते हैं वो हनी मत कंज्यूम करना, वो सिर्फ चीनी होती है, ठीक है, वो हनी नहीं होता रेगुलर। अगर आप असली फॉरेस्ट हनी या कहीं से ला सकते हो तो प्लीज़ उसको आप कंज्यूम कर सकते हो, थोड़ा इसके अंदर ऐड कर सकते हो। आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो इसके अंदर, आप और मिक्स सीड्स ऐड कर सकते हो एंड आप थोड़ा जैगरी भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो हल्का सा, बट आप इसको स्वीटन बनाने की कोशिश कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। बट मेरे अकॉर्डिंग ये डिसेंट प्रोडक्ट है। बात करूंगा इसकी मैं कि आप इसको बाय कर सकते हो, आप इसको बाय कर सकते हो। सबसे मेन बात ये है कि इसके अंदर एडिड शुगर नहीं है, जो कि मुझे अच्छा लगा, जैगरी इन्होंने ऐड किया, ठीक है। एंड ये प्राइस अगर आपके बजट में फिट बैठता है तो आप इसको ले सकते हो। उसके अलावा एल्पिनो के ओट्स भी आते हैं, मसल बेस के ओट्स भी आते हैं, उनके रिव्यू भी मैंने डाले हुए हैं। अगर आपको उनमें से कोई प्रोडक्ट लेना तो आप उसका रिव्यू भी देख सकते हो। मैं एक इन तीनों का इकट्ठे रिव्यू की वीडियो बना के कंबाइन एक पोस्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो वीडियो देखने में। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है आप भी ये मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हो। मैंने ये हैक खुद सोचा है, ये मैंने सोचा आराम से, मैंने प्रोडक्ट को पहले रिव्यू किया अच्छे से कि ये यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकता। एंड ये कितना ईजी है, इसमें 20 ग्राम्स ऑफ मैंने ऐड कर दिया है जिससे मुझे अराउंड काफ़ी प्रोटीन, मुझे मेरा एक्स्ट्रा प्रोटीन बढ़ गया थोड़ा बहुत। आप ऐसा अपनी चीज़ों में ऐड कर सकते हो क्योंकि ओट्स आप डेली कंज्यूम करोगे, ठीक है ना, चाय कॉफी आप डेली कंज्यूम करोगे, उसके अंदर आप चीज को ऐड करके अपना थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हो। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो वेलकम बैक टू बैलेंस लाइफस्टाइल, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आर्यन शर्मा एंड आपके लिए एक और नई वीडियो लेके मैं आ चुका हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक, अगर आप पहली बार आए हैं तो वेलकम, वापस आए हैं तो वेलकम बैक। तो आप जानते हैं हम काफी रिव्यूज वीडियो बनाते हैं आजकल, चाहे वो ओट्स की हो चाहे वे मोस्टली फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स के, हम जो है रिव्यू वीडियो बनाते हैं। आज हम एक और ऐसी वीडियो लेके आपके लिए आए हैं क्योंकि आप इस पर काफी बढ़िया रिस्पांस दे रहे हैं, आपके काफी क्वेश्चंस होते हैं इसके रिलेटेड। तो मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सके मैं इसको क्लियर कर सकूं। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक और ब्रांड के ओट्स के बारे में, क्योंकि आप लोग ओट्स को लेकर काफी कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आता कौन से ब्रांड के आप ओट्स जो है कंज्यूम करें। मैंने काफी ब्रांड के ओट्स जो है रिव्यू किए हैं, आज एक और ब्रांड का ओट्स रिव्यू करूंगा एंड मैं फिर इसके कंपैरिजन वीडियोस भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो उसको। तो आज हम बात करने वाले हैं योगा बार के हाई प्रोटीन ओट्स के बारे में। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप चाहे तो कंज्यूम करना चाहे तो नहीं करना, क्योंकि मेरा अभी रिव्यू आपने देखा नहीं है, मैं खुद इसको ट्राई करूंगा एंड रिव्यू दूंगा। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे एंड इसकी मैंने म्यूसली भी ऑर्डर किया, उसका रिव्यू भी मैं बनाऊंगा
बट आज हम बात करेंगे इस योगा बार के हाई प्रोटीन ओट्स के बारे में। काफी लोगों ने मुझे बोला था कि आप इसको ट्राई करो, इसको रिव्यू करो, क्योंकि काफी लोग फिर कोशिश करते हैं कि अगर रिव्यू अच्छा आए तो वो लोग कंज्यूम करते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं इसको कैसा बनाते हैं, कैसा टेस्ट करता है, क्या बाकी ओट्स से बेटर है, क्या ये खाने लायक है या नहीं है, सब डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है इसकी पैकेजिंग, योगा बार हाई प्रोटीन ओट्स। इसकी हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स या वैल्यू कह सकते हैं जिसकी आप। तो इसमें जो है 100 ग्राम्स में आपको मिलेगी 335 कैलोरीज, 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फैट जिसमें 7 ग्राम्स है। तो बात में हम इसके बात करें डाइटरी फाइबर जो है 10 ग्राम जो कि बढ़िया है। टोटल शुगर इसके अंदर है 12.1 ग्राम जिसमें एडेड शुगर 10 ग्राम है। एंड बाकी आप देख सकते हैं उसके अंदर कैल्शियम वगैरह। जो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो होल ग्रेन ओट्स है, प्रोटीन ब्रेड है, रॉ शुगर है इसके अंदर, थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, एंड ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो शुगर इसमें एडेड है। अगर आप मेरी बात करें तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि अगर आपके ओट्स में जो है एडेड शुगर ना हो तो बढ़िया रहेगा, बट काफी ब्रांड्स अपने एड शुगर को ऐड कर लेते हैं बीच में। तो डिपेंड करता है आप कैसे कंज्यूम कर रहे हो। मोस्टली जो है ओट्स में शुगर होती है, बट कोई कोई ब्रांड है जिसमें ओट्स जिसमें शुगर नहीं ऐड करते वो लोग। जैसे जैसे मुझे याद हो तो डॉक्टर चॉइस का जो ओट्स है उसके अंदर शुगर मेरे ख्याल से एडेड नहीं है, उसके अंदर शायद जैगरी है, पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब वो भी चलो ठीक है। एंड जो दूसरे एक थे एल्पिनो के, उसके अंदर भी शायद शुगर ऐड नहीं है। बाकी मसल वेस के अंदर शुगर होती है, आपके पिंटोला के अंदर भी शुगर है मेरे ख्याल से। तो इसके बारे में देखते हैं क्या ये टेस्ट करता है, इसके बारे में रिव्यू करते हैं। तो बनाना कैसे आपको बताऊंगा, सिंपल रेसिपी होने वाली है, इजी टू मेक सिंपल रेसिपी, एंड आप इसको कंसिस्टेंटली कंज्यूम कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो सिंपल हमने एक वेइंग स्केल ले लिया एंड इसके ऊपर हम रख देंगे अपना ये शीशे का बाउल एंड इसके अंदर हम डालेंगे 60 ग्राम्स ऑफ ओट। तो भाई इस तरह के आपके ओट्स दिख रहे हैं, खुशबू काफी बढ़िया आ रही है भाई इसमें से। तो लेट्स सी, अब इसको डालेंगे हम 60-70 ग्राम ऑफ ओट्स। आप अपने कैलोरी इंटेक्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 70 कर लेते हैं, थोड़े से प्रेम भाई थोड़ा और हो गया। चलो एंड इसमें हम डालेंगे बाकी चीजें। अब इसमें मैं ऐड करूंगा 150 ml ऑफ मिल्क, थोड़ा और कम है, 200 डाल देते हैं। हो गया। एंड इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं काफी बार शेयर कर चुका हूँ, अगेन मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, स्किम्ड मिल्क पाउडर। काफी लोग पूछते हैं कौन से ब्रांड का है, उसके सागर है लिखा होगा आपके, बट अगर आप इसको पीछे देखें तो प्रोडक्ट ऑफ अमूल, ये अमूल कंपनी का ही आता है स्किम्ड मिल्क पाउडर। इसकी 100 ग्राम्स में आपको 357 कैलोरीज मिलेगी एंड अराउंड आपको 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया सोर्स ऑफ प्रोटीन है आपके लिए। एंड आप इसको जो है अपनी मील्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, आप अपने टी में इसको ऐड कर सकते हैं, कॉफ़ी में इसको ऐड कर सकते हैं, ओट्स में इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी और चीज़ में भी इसको ऐड कर सकते हैं अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन इनटेक बढ़ाने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड अराउंड 40 ग्राम्स ऑफ मिल्क पाउडर। एक्चुअली मैं अभी थोड़ा मेरी कैलोरीज अभी सरप्लस में ही है, हाँ ठीक है, आई एम ईटिंग इन से स्लाइट सरप्लस बिकॉज विंटर आर्क जो है मेरी शुरू होने वाली है, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड थोड़ा वेट गेन, थोड़ा मसल साइज गेन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं 40 ग्राम्स ऑफ ले रहा हूँ ताकि थोड़ी कैलोरीज मुझे अच्छी खासी मिल जाएगी, प्रोटीन इंटेक भी मेरा बढ़ जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड वी विल गिव इट अ क्विक मिक्स एंड उसके बाद हम इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। लेट्स मिक्स दिस। सो हम इसको माइक्रोवेव कर देंगे फॉर अराउंड 3 मिनट्स। तो लेट्स गो। तो जब तक ओट्स बन रहे हैं तब तक थोड़ी सी हल्की सी फिजिक अपडेट, आर्म्स वगैरह साइज से वो ग्रो हो रहा है काफी। अभी तो स्टार्ट ही किया मैंने लिटिल बिट सरप्लस में ईट करना, तो विद इन फ्यू मंथ्स फ्यू वीक्स आपको दिख जाएगा जो है। अभी तो काफी डिसेंट प्रोग्रेस चल रही है, बट इम्प्रूवमेंट होगी इसमें बहुत ज्यादा देखना। तो हमारे ओट्स जो है रेडी हो चुके हैं, बहुत गर्म है, ओ माय गॉड दिस लुक्स सो नाइस, क्या क्रीमी लग रही है ना। टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट ये काफी बढ़िया लग रहे हैं दिखने में। आई होप ये टेस्ट भी बढ़िया करेंगे। थोड़ा ठंडा होने देते हैं इसको,
देन इसको हम कंज्यूम करेंगे। सो एक और टिप आपके लिए कि अगर आपको ओट्स को और थोड़ा मीठा बनाना है, बेसिकली मीठा होंगे काफी, अगर आपको वे प्रोटीन ऐड नहीं करना है तो आप इसके अंदर ये ऐड कर सकते हो कोकोनट शुगर, ये किसी भी ब्रांड के ले लो आप, तो ये इससे ये हेल्दी भी रहेगा एंड टेस्टी भी बन जाएगा। थोड़ी सी कोकोनट शुगर ऐड कर दो उसके अंदर, बाहर बाइक चल रही है तो अब इसको कंज्यूम करते हैं। मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट आप चाहें तो ऐड कर सकते हो। सो नाउ मोमेंट ऑफ ट्रूथ। बढ़िया, ठीक है। एक बाइट, एक बाइट में जज नहीं कर सकते, दो बाइट लेनी पड़ेगी। नाइस, थम्स अप, गुड ओट्स। प्रोटीन क्वांटिटी ठीक है, इसकी प्राइस भी ठीक है। मैं बोलूंगा अभी तक मैंने काफ़ी ओट्स के ब्रांड ट्राई किए हैं एंड ये मुझे दिखने में काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा था। मैंने आपको पहले ही बोला था नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट ये टेस्ट इसका मुझे अच्छा लगा। मैं पुराने ओट्स की बात करूँ, एल्पिनो के ओट्स मुझे पहले बहुत अच्छे लगते थे, बट अब नई पैकिंग जो उनकी आई है ना, आई डोंट नो व्हाई, बट उसका टेस्ट बहुत डिग्रेड हो गया हुआ है। वो खाली खाने में ठीक लग रहे क्रंची, क्योंकि वो एक अलग टेक्स्चर के ओट्स हैं। आप बाकी ओट्स रखे साइड पे तो वो ऑलमोस्ट सेम टेक्सचर में आ रहे हैं, बट एल्पिनो के थोड़े क्रंची टेक्सचर में आ रहे हैं, ठीक है। वो मैं उसके लिए उसको लाइक करता था बड़ा, बट उसका टेस्ट काफी डिग्रेड हो गया, जो कि मुझे काफी बुरा लगा। मेरे पैकेट पड़ा हुआ मेरे पास अभी, के बाद अभी करंटली 4 से 5 ब्रांड के ओट्स पड़े हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि ये काफी बढ़िया लगा मुझे। नॉट द बेस्ट बट वन ऑफ द बेस्ट, अच्छा है, डिसेंट, आप कंज्यूम कर सकते हो उसको। मैं दूंगा उसको 10 में से 8 रेटिंग। हल्का सा मुझे इसमें लगता है कि शुगर थोड़ी सी ज्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने ज्यादा कुछ उसमें ऐड किया नहीं है, पर ठीक है। अगर आपको डे टू डे लाइफ में खाना है इसको, आप थोड़ा नॉर्मल क्वांटिटी में ओट्स कंज्यूम करें तो आपके लिए परफेक्ट है, नॉट एन इशू। बट अगर आप कोई कंपीट कर रहे हो, आपको हर एक ग्राम का रखना है, तो आप शायद उसको अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको शुगर वाले अवॉइड करनी है तो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वरना मैं तो उसको कंज्यूम करूंगा। आई लाइक दिस ओट्स एंड अभी ओट्स को और रेसिपीज बनाएंगे इसके, डिफरेंट आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।